नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Motorola Edge 50 Fusion 5G versus Xiaomi 14 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो 50 Fusion में 6.38 इंच जबकि Xiaomi 14 5G में 6.02 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि 50 Fusion से कम है। विड्थ की बात करें तो 50 Fusion में 2.88 इंच जबकि Xiaomi 14 5G में 2.81 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि 50 Fusion से कम है। बात करें थिकनेस की तो 50 Fusion में 0.31 इंच जबकि Xiaomi 14 5G में 0.32 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि 50 Fusion से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो 50 Fusion में 175 ग्राम जबकि Xiaomi 14 5G में 193 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि 50 Fusion से ज्यादा है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो 50 Fusion में POLED जबकि Xiaomi 14 5G में LTPO AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो 50 Fusion में 6.67 इंचेस जबकि Xiaomi 14 5G में 6.36 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन 50 Fusion में 1080x2400px FHD+ और Xiaomi 14 5G में 1200x2670px FHD+ मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 50 Fusion में 90.7% जबकि Xiaomi 14 5G में 89.39% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो 50 Fusion में 395 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Xiaomi 14 5G में 460 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो 50 Fusion में 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है। और Xiaomi 14 5G की बात करें तो इसमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में टेलीफोटो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो 50 Fusion में 14 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Xiaomi 14 5G की बात करें तो उसमें 19 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो 50 Fusion में Adreno 710 जबकि Xiaomi 14 5G में Adreno 750 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो 50 Fusion में Qualcomm Snapdragon 7 Gen 2 और Xiaomi 14 5G में Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 मिलता है। बात करें RAM की तो 50 Fusion में 2 ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें 8GB 12GB की RAM मिलती है, जबकि Xiaomi 14 5G में 1 ही ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें 12GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो 50 Fusion में 2 विकल्प देखने को मिलता है, जिसमें 128GB 256GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि Xiaomi 14 5G में 1 ही विकल्प देखने को मिलता है, जिसमें 512GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में एंड्रॉइड V14 देखने को मिलती है। बैटरी 50 Fusion में 5000 mAh जबकि Xiaomi 14 5G में 4610 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं।
कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 3 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो 50 फ्यूजन में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जिसमें कि 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 22,999 रुपीस, 12 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ 27,900 रुपीस में मिलता है। और बात करें Xiaomi 14 5G की तो उसमें एक ही वेरिएंट मिलता है जो कि 12 GB रैम 512 GB स्टोरेज के साथ 45,890 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो Motorola Edge 50 Fusion 5G में 8 फायदे और 5 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Xiaomi 14 5G की तो उसमें 8 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में Xiaomi 14 5G आगे है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में Xiaomi 14 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Moto G04 4G है, दूसरा Realme 12 5G है, तीसरा Samsung Galaxy M14 4G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo V35 G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।